ड्राइवर टोला के रहने वाले युवक हेमंत कुमार की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। कटिहार जिले के नगर थाना के ड्राइवर टोला के रहने वाले युवक जिसका नाम हेमंत कुमार पासी, उम्र 21 वर्ष थी, छठ पूजा के दौरान सभी ने छठ घाट बीजी गेट के पास रात्रि जागरण किया था। जब हेमंत कुमार का अगरबत्ती खत्म हो गया तो वो अगरबत्ती लाने घर गया। जब वह घर से अगरबत्ती लेकर आने लगा तो उसे किसी भी प्रकार का कोई ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दिया। वो रेलवे लाइन क्रॉस करने लगा तो उसी वक्त ट्रेन की चपेट में आने से हेमंत कुमार का शरीर दो टुकड़ों में बट गया। रेल पुलिस को जब इस घटना की जानकारी मिली तो पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लेकर परिवार वालों को खबर किया। बॉडी को कटिहार पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। हेमंत कुमार के दो भाई बहन है जिसमें दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। पिता का साया पहले ही सर से उठ चुका है। हेमंत कुमार काफी गरीब था और चप्पल की दुकान में काम करता था और उसी से अपना परिवार चलाता था। अपनी माँ और छोटे भाई की सारी जिम्मेदारी हेमंत पर ही थी। आज उसकी अचानक मौत हो जाने से पूरा परिवार सदमे में है। कानूनी संघ उसके लिए कटिहार से रुपेश मिश्रा की रिपोर्ट। अधेला में लेके आता है कोई क्या बस? नहीं नहीं अभी आराम छोड़े हैं। क्या समझिए हम आ रहे दारू पी चले मेरे ही वार्ड में एक है हेमंत कुमार पासी, वो छठ पूजा के घाट में रात जगा होता है, उनके घर में छठ होता है तो वो लोग रात जागते हैं घाट पे। उसी क्रम में कुछ अगरबत्ती वगैरह उसका खत्म हो गया था जिसे वो लेने के लिए घर जा रहा था, उसी क्रम में उसको वहाँ पे ट्रेन से कट गया है। क्या नाम है? उसका नाम हेमंत कुमार पासी। कितना उम्र होगा? 21 वर्ष। उनके पिताजी का नाम? उनके पिता रतनलाल पासी। क्या शादीशुदा थे? नहीं, कुमार है। किस जगह ये घटना घटित हुआ है? ये ड्राइवर टोला बीजी गेट दुबट्टा। आपका कौन है? हम कटिहार जिला अध्यक्ष, एसटीसी जिला अध्यक्ष कटिहार। क्या नाम है? मेरा नाम पूर्णिमा कुमारी है। उसी में जगह करने के दर में कुछ पूजा का सामग्री कम होने के बाद में ये घर आ रहे थे लेने क्रम में।